निवेदिता। पहले तनिष्क ने अपने विज्ञापन के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, लव जिहाद का एंगल दिखा दिया। उसके बाद जब दिवाली के लिए विज्ञापन बनाया, उसे भी हिंदुओं ने खुद के लिए ठेस जैसा बताया, जिसमें दिवाली पर पटाखों को नहीं बल्कि माँ के साथ समय बिताने को तरजीह देने की बात कही गई। कहा गया कि हिंदू त्योहारों को ही निशाने पर लेकर तनिष्क विज्ञापन क्यों बना रहा है, और उसके बाद अब अमेज़न ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर दिया है। अब अमेज़न की एक हरकत से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया यूजर्स अमेज़न का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट अमेज़न ट्रेंड कर रहा है। सफेद और हरे रंग के संयोजन में प्रतीक ओम की विशेषता वाला डोरमैट 15.78 यूरो की कीमत पर योग लोटस डोरमैट रियर फ्रंट डोरमैट शोषक कीचड़ प्रवेश द्वार के रूप में बेचा जा रहा है। इसके अलावा अंडर गार्मेंट्स पर छपी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों की वजह से भी अमेज़न ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है। अमेज़न पर ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने ई कॉमर्स वेबसाइट की आलोचना की और लोगों से इस दिवाली अमेज़न जाने का बहिष्कार करने का आग्रह किया। नेटिजन्स ने स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करने और उनसे उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। इस पर लगातार कई तरह के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम नाम के यूजर ने ट्वीट किया, लिखा, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अभिषेक कुमार नाम के यूजर ने लिखा, हमें अमेज़न को बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि अमेज़न हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। इस दिवाली हमें लोकल उत्पाद खरीदना चाहिए और अमेज़न का बहिष्कार करना चाहिए। अभिषेक टाकेले ने लिखा है, क्या ये सच में हो रहा है? क्या हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना एक ट्रेंड बन गया है? हम बहुत ही असहिष्णु हो गए हैं। दूसरे तो इस सब के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं शैलजा नाम के यूजर ने भी नंदनी नाम की यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ये क्या बकवास है, हैशटैग बॉयकॉट अमेज़न। आदित्य नाम के यूजर ने लिखा, कोई शहर नहीं जलेगा, टॉयलेट रोल बनाना और डोरमैट बनाना उनका पसंदीदा काम है, इस बार लोकल से ही खरीदिए, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करिए, इस दिवाली पर किराना स्टोर से सामान खरीदिए। वहीं एक यूजर ने अमेज़न को शटअप कहा है कि हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, तुम लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, सभी ऑफेंसिव प्रोडक्ट्स को हटाओ। आरिफ ने लिखा, हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान दो। हालांकि जब अमेज़न को इस तरह का विरोध झेलना पड़ा तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अमेज़न से हटा दिया है। आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब अमेज़न को ऑनलाइन इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ा हो। इस साल के शुरुआत में ही ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को भारतीय ध्वज के अलावा भगवान गणेश और आध्यात्मिक प्रतीक ओम के चित्रों के साथ डोरमैट और बाथरूम कालीन बेचने के लिए नेटिजन से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन अमेज़न की फिर इसी तरह की हरकत के बाद अब हिंदुओं में उबाल है। अब जब अमेज़न ने प्रोडक्ट्स के विरोध के बाद इसे हटा लिया है, फिर भी लोग लगातार अमेज़न को बहिष्कार करने के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। एक बार गलती की जाए तो उस पर समझाना बनता है, लेकिन अमेज़न को क्यों लगता है कि वो बार बार वही गलती करेगा और साफ बचकर निकल जाएगा? आप लोगों के अमेज़न के इस कृत्य पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।